Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. I am Dr. Waseem I Khan, assistant professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss the last part of process to compel production of things, that is section 100 to section 104. तो लास्ट पार्ट हम प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 100 टू सेक्शन 104. साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Process to compel production of things, section 100 to 104. This is the last part of process to compel production of things. So section 100 deals with person in charge of closed place to allow search. So whenever any place liable to search is closed, any person residing in or being in charge of such place shall allow such officer free ingress thereto and afford all reasonable facilities to search therein. So whenever the search warrant is issued by a court of law regarding the search of any closed place, then the owner of such closed place will have to provide all the facilities for conducting such search. जब कभी भी कोर्ट किसी क्लोज्ड प्रीमाइसेस के सर्च के लिए सर्च वारंट इशू करता है, तो उस क्लोज्ड प्रीमाइसेस के ओनर की ये ड्यूटी रहेगी कि उसने पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए पुलिस ऑफिसर को सर्च कंडक्ट करने के लिए. वो रोक नहीं सकता है पुलिस ऑफिसर को सर्च कंडक्ट करने से. इफ इंग्रेस इन टू सच प्लेस कैनॉट बी सो ऑब्टेन्ड, द ऑफिसर और द अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मे प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47. Suppose if such facility is not provided by the owner of that premises, if the owner of premises resists to conduct a search, under such a circumstances the police officer who wants to conduct a search can apply all the provision which is provided under section 47 subclause 2. जब कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्लोज प्रीमाइसिस का जो ओनर है वो अगर सर्च को रोकता है, तो सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है सेक्शन 47 2 के हिसाब से वो सर्च कर सकता है. सेक्शन 47 सब क्लास 2 में क्या है? सेक्शन 47 सब क्लास 2 ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पर्सन जा रहा है और अरेस्ट करने के अगर वो प्रीमाइसिस में घुसना चाहता है अरेस्ट करने के लिए और वो प्रीमाइसिस का ओनर अगर उसको रोकता है, तो वो फोर्स अप्लाई कर सकता है एंटर करने के लिए प्रीमाइसिस में. तो यहाँ पर भी सेक्शन 100 में अगर क्लोज प्रीमाइसिस को सर्च करना है, सर्च वारंट है पुलिस ऑफिसर के पास और ओनर अगर रेजिस्ट करता है सर्च करने के लिए, मना करता है, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर कैन अप्लाई अ फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग सच सर्च. वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड, सच पर्सन मे बी सर्च एंड इफ सच पर्सन इज अ वुमन द सर्च शॉल बी मेड बाय अनदर वुमन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी. सो वेयर एनी पर्सन इन or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made. अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उस प्रीमाइसिस में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पर्सन है जो अपने पास कोई चीज़ को छुपा रहा है, कोई अपने पास वो चीज़ को छुपा रहा है, सस्पेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस पर्सन का सर्च कर सकता है पुलिस ऑफिसर. बट सपोज वो छुपाने वाला जो पर्सन है अगर वो फीमेल है, तो फीमेल का सर्च दूसरी लेडी कांस्टेबल ही करेगी विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी. इन डिसेंट मैनर में उसको सर्च नहीं कर सकती है फीमेल होने के बावजूद भी, डिसेंट मैनर में, डिसेंटफुल मैनर में सर्च करना पड़ेगा. तो दैट इज द प्रोविजन. नाउ बिफोर मेकिंग सर्च द ऑफिसर मे कॉल टू पर्सन फ्रॉम द लोकैलिटी और इफ नॉट अवेलेबल फ्रॉम द अदर लोकैलिटी एज अ विटनेस. जब कभी भी पुलिस ऑफिसर सर्च करने के लिए जाएगा तो सर्च करने के पहले दो विटनेस को बुलाएगा वही लोकैलिटी में जिस लोकैलिटी में वो प्रीमाइसिस है. अगर वो लोकैलिटी के पर्सन मौजूद नहीं है तो दूसरे कोई लोकैलिटी से भी पर्सन को मंगा सकता है. एज अ विटनेस दो पर्सन आएंगे, उनके सामने ही सर्च कंडक्ट होगा सेक्शन 100 में. नाउ सेक्शन 100 प्रोविजन इज क्लॉज 5.
the search will be conducted in the presence of those witnesses and list of the seized article will be prepared and signed by the witnesses. तो सिचुएशन में क्या होगा कि जब सर्च होगा तो सर्च किसके सामने होगा, तो दो विटनेसेस है उनके सामने ही होगा. एंड लिस्ट ऑफ द सीज्ड आर्टिकल विल बी प्रिपेयर्ड, तो जो जो चीज़ें वहाँ से सीज की गई उस प्रीमाइसेस में उसकी एक लिस्ट बनेगी एंड दैट पर्टिकुलर लिस्ट विल बी साइंड बाय द विटनेसेस, दोनों विटनेसेस उस पर साइन भी करेंगे. द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस टू बी सर्च शाल बी अलाउड टू रिमेन प्रेजेंट व्हाइल सर्चिंग दैट प्लेस एंड कॉपी ऑफ सीज्ड आर्टिकल अलॉन्ग विद द साइन ऑफ द विटनेसेस शाल बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन. सो वेन एवर द पुलिस इज कंडक्टिंग अ सर्च द ओनर ऑफ दैट प्रीमाइसेस शाल बी अलाउड टू रिमेन प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटायर सर्च. समझ रहे हो कि अगर वो प्रीमाइसेस का सर्च किया जा रहा है तो उसका ओनर सर्च के दौरान वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उसको वहाँ पर प्रेजेंट रहने दिया जाएगा और जो भी वहाँ से आर्टिकल सीज किए गए उसकी एक कॉपी उस प्रीमाइसेस के ओनर को दी जाएगी. व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सब सेक्शन 3 अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजिशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन. अगर सब क्लॉज 3 के हिसाब से अगर किसी पर्सन का सर्च किया गया उसके पास से जो जो चीज़ें सीज की गई उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके उसकी रिसिप्ट एक उस पर्सन को दी जाएगी. एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 ऑफ इंडियन पिनल कोड. अगर कोई पर्सन एज ए विटनेस प्रेजेंट रहने से मना करता है, वो बोलता है कि मैं विटनेस नहीं रहूँगा, तो वो पर्सन लाइबल रहेगा कौन से ऑफेंस के लिए, सेक्शन 187 ऑफ इंडियन पिनल कोड. अब इस पर प्रॉबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 100 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च ऑफ क्लोज प्लेस अंडर सेक्शन 100 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. द पर्सन रिसाइडिंग इन दैट प्लेस शाल अलाउ सच सर्च, द ओनर ऑफ क्लोज प्लेस कैन रेजिस्ट सच सर्च, पुलिस मेकिंग सर्च कैन यूज फोर्स फॉर कंडक्टिंग सर्च, सर्च विल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो हमने देखा कि प्रेजेंट पर्सन रिसाइडिंग इन दैट प्लेस शाल अलाउ द सर्च, जो पर्सन वो प्रीमाइसिस में रहता है उसको सर्च अलाउ करना ही पड़ेगा. पुलिस मेकिंग सर्च कैन यूज फोर्स, पुलिस फोर्स भी यूज कर सकती है. सर्च विल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, दो विटनेस के प्रेजेंस में सर्च कंडक्ट होगा. ये तीन सही है बट द सेकंड ऑप्शन है द ओनर ऑफ क्लोज प्लेस कैन रेजिस्ट सर्च अरेस्ट, तो जो ओनर है प्रीमाइसिस का वो सर्च के लिए मना नहीं कर सकता है. तो करेक्ट आंसर इज सेकंड. नाउ सेक्शन 101 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सच सर्च बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन. सो व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड द सेम, अगर सर्च कहाँ हुआ, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर सर्च होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सर्च अगर बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है, जो कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर सर्च होता है तो एनी ऑफ द थिंग्स फॉर विच सर्च इज मेड आर फाउंड सच थिंग्स टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन शाल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट. क्या होगा कि जो जो चीज़ें वहाँ पर मिली सर्च के दौरान उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और ऐसे प्रोविजन जो इसके बाद बताए हुए उससे उसके कंप्लाइंस में शाल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट, तो वो चीज़ें इमीडिएटली कौन से कोर्ट के सामने ली जाई जाएगी, जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया है उस कोर्ट के सामने. अनलेस सच प्लेस इज नियरर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन देयर इन देन टू सच कोर्ट इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग्स शाल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट. अगर फॉर एग्जाम्पल वो जो चीज़ें जहाँ पर सर्च की गई है, अब क्या होगा कि अगर वो सर्च की गई जगह से अगर मजिस्ट्रेट बहुत ज़्यादा दूर है और दूसरा एक नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है तो उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो चीज़ों को ले जाया जाएगा. एंड अनलेस देयर बी गुड कॉज टू द कॉन्ट्ररी सच मजिस्ट्रेट शाल मेक एन ऑर्डर अथोराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट. अब फॉर एग्जाम्पल जो नियरेस्ट कोर्ट है उसके सामने वो चीज़ें लेकर गए तो वो कोर्ट क्या करेगा, वो कोर्ट इमीडिएटली उसको कहेगा पुलिस ऑफिसर को कि टू प्रोड्यूस दीज ऑल थिंग्स टू द कोर्ट हु इशूज द वारंट, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था सर्च वारंट उसके पास उसको लेकर जाया जाए. सेक्शन 102 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी. अब
पुलिस ऑफिसर का पावर कोई प्रॉपर्टी को सीज करने का क्या रहेगा, सेक्शन 102। एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन और विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसिस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी सर्च किया उसने प्रीमाइसेस को, पुलिस ऑफिसर को लगा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है या ये प्रॉपर्टी सस्पिशियस है, डाउटफुल है कि इससे रिलेटेड ऑफेंस हुआ है कुछ ना कुछ, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? सच पुलिस ऑफिसर इफ सबॉर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शाल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू दैट ऑफिसर। वो स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करेगा, वो डाउटफुल जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करेगा, और अगर वो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है तो उसकी रिपोर्ट अपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, सीजर की रिपोर्ट देगा कि आई हैव सीज सो एंड सो मटेरियल, कि मैंने ये चीज़ यहाँ से जब्त की है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देगा। एंड एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 शाल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। और जो पुलिस ऑफिसर ने जो चीज़ें सीज की उस प्रीमाइसेस में से, स्टोलन प्रॉपर्टी रहने दो या डाउटफुल प्रॉपर्टी रहने दो, उसकी रिपोर्ट उसने इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट जिसको ज्यूरिसडिक्शन है वो प्रीमाइसेस का, उसको रिपोर्ट देना उसकी ड्यूटी रहेगी। ये प्रॉपर्टी सीज कैनॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट, इट मे बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। अगर वो प्रॉपर्टी जो सीज की गई, वो प्रॉपर्टी अगर वो कन्वीनियंटली कोर्ट तक नहीं ले जाई जा सकती, हेवी प्रॉपर्टी है जो कन्वीनियंटली कोर्ट तक नहीं लेके जा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इट मे बी केप्ड इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। तो वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पोजीशन में रखी जा सकती है बॉन्ड लेकर, उससे श्योरिटी ली जाएगी और उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट इफ द सीज्ड प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके and the owner is unknown and value of property is less than 500 rupees, it may be sold by auction under the order of superintendent of police। तो वो जो प्रॉपर्टी जो पुलिस ऑफिसर ने सीज की गई है, वो अगर एक नेचुरल डिके से रिलेटेड है, मतलब वो कुछ देर के बाद ख़राब होने वाली है, और उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है पता नहीं है, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 500 से नीचे है, इस तीनों सिचुएशन में क्या होगा कि वो पुलिस ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के SP के ऑर्डर से उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन होगा, उस प्रॉपर्टी की हरासी कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन है, प्रॉबेबल क्वेश्चन, सेक्शन 102 पे, प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सेक्शन 102 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मे बी सोल्ड बाय ऑक्शन इफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके, ओनर ऑफ सीज प्रॉपर्टी इज अननोन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज, ऑल ऑफ द अबोव। अगर हमने देखा तो यहाँ पर हमने तीनों सिचुएशन है कि सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके, ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरल डिके एक पीरियड के बाद ख़राब होने वाली है, या उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है पता नहीं है, या प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 से नीचे है, तो तीनों सिचुएशन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर के साथ वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन के जरिए बेच दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 103, एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, सॉरी सेक्शन 103 द टाइटल इज मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। सो एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। सो कभी कभी मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है और ये कह सकता है कि यहाँ इस प्रीमाइसिस का सर्च मेरे प्रेजेंसी में हो, मेरे मौजूदगी में हो, समझ रहे हो? देन सेक्शन 104 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूस, इट इज एंड प्रोड्यूस्ड, सेक्शन 104। एनी कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर दिस कोड। तो कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने अगर पेश किया गया तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकता है, जब्त भी कर सकता है जो उसके सामने प्रोड्यूस किया गया है। तो ये थे सेक्शन 103, 104 एंड the previous sections। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you very much।